नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। योगी सरकार के कद्दावर मंत्री नीलकंठ तिवारी ने वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी को 7 लाख से अधिक वोटों से जिताने का बेड़ा उठा लिया है। वहीं नीलकंठ तिवारी ने एक तरफ मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई तो दूसरी ओर प्रियंका गांधी को सेलिब्रिटी बताया और कहा कि प्रियंका को लोग देखने आते हैं, वो राजकुमारी है। इसी मसले पर हमारे संवाददाता तुषार श्रीवास्तव ने उनसे खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ योगी सरकार के कद्दावर मंत्री नीलकंठ तिवारी जी मौजूद हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 7 लाख से अधिक वोटों से जिताने की अपील को लेकर जनसंपर्क के लिए निकले हुए हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या एजेंडा है इस वक्त आप जनसंपर्क कर रहे हैं? देखिए, आज आखिरी दिन है जनसंपर्क का। पूरी ताकत से साथ हर जगह हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। काशी की एक एक जनता ने और प्रत्येक काशीवासी ने यह तय कर लिया है कि हमें मोदी जी को जिताना है। और सब यदि वोट डालने जाएंगे, जो भी वोट डालने जाएगा मोदी जी को वोट देने वाला है। हमारा ये आग्रह है कि 100% मतदान हो काशी में। जो 100% मतदान यदि कराने में हम लोग सफल हो गए और उसमें हम लोग लगे हैं तो हम लोग रिकॉर्ड मत से आदरणीय मोदी जी को चुनाव जिताने वाले हैं। उसी लक्ष्य को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। काफी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है, लेकिन ठीक इसके विपरीत विपक्ष है, वो इन सब चीजों की काउंटिंग कहीं नहीं करता है। वो ठीक कहता है कि बनारस में कहीं विकास नहीं हुआ। प्रियंका गांधी को आप किस रूप में लेते हैं? वो खुद पूर्वी उत्तर प्रदेश का मोर्चा संभाल रखी है। देखिए, दो चीजें आपको कहूंगा। जब भ्रष्टाचार के चश्मे से आप देखोगे, कदाचार के चश्मे से देखोगे, व्यभिचार के चश्मे से देखोगे, लूट खसोट के चश्मे से देखोगे, तो मोदी का विकास न तो काशी में दिखाई देगा, न तो भारत में दिखाई देगा, न तो आयुष्मान भारत दिखाई देगा, जिसके तहत 10 करोड़ 60 लाख परिवारों को आच्छादित करके 5 लाख रुपया सालाना दिया गया, न तो 2.5 करोड़ आवास दिया दिखाई देगा, जो 2.5 करोड़ गरीब लोगों को छत उनको मुहैया कराएगा उनके सर पर। उद्योगपतियों के लिए 59 मिनट में लोन की व्यवस्था किया, वो नहीं दिखाई देगा। और रही बात प्रियंका जी की, प्रियंका जी बड़े परिवार की हैं, राजघराने की हैं, राजकुमारी हैं, और उनके पति आदरणीय वाड्रा जी इंटरिम बेल पर हैं, उनकी माता जी बेल पर हैं, उनके भाई साहब बेल पर हैं, जमानत पर हैं। अब जब 3-3 लोग बेल पर हैं, जेल में जाने की प्रत्याशा है, तो एक तो चिराग होना चाहिए परिवार में। तो चिराग को इंट्रोड्यूस किया गया है कि कहीं तीनों जेल में चले गए तो आने वाले दिनों में कांग्रेस की बागडोर संभालेगा क्यों? क्योंकि आवश्यकता वहां पर परिवार के ही किसी व्यक्ति की है जो सत्ता को चला सके। सेलिब्रिटी भी हैं, आती हैं, उनको देखने के लिए भी लोग जाते हैं। रही बात मायावती और अखिलेश की, दोनों सीबीआई के घेरे में है। ममता जी सीबीआई के घेरे में है, तेजस्वी के बाप लालू यादव जेल में है। ये सभी लोग इसलिए चाहते हैं कि इसलिए इनको मोदी जी का काम नहीं दिखाई देता, क्योंकि यदि काम दिखाई देगा और 23 के बाद वो जानते हैं कि काम यदि हम कहेंगे तो मोदी जो आप अभी 350-400 के आंकड़े तक जा रहे हैं पूरा स्वीप कर जाएंगे और जेल जाना तो उनका सुनिश्चित है। जनता कहीं उनको जेल न भेज दे, इससे वो डरते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से बलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे थे तो वहां उन्होंने साफ कहा था कि मैं जाता हूं, देखता हूं कि ममता बनर्जी मुझे रैली करने देती हैं या नहीं करने देती हैं। क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी भी ममता बनर्जी से आशंकित है? देखिए, आशंकित नहीं है। कोई भी आदमी, गांव की एक कहावत है कि उस रास्ते को बदल दिया जाता है जहां पर, अब उस शब्द में इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति ऐसा होता है। बिहाया का पेड़ देखें आप, नहीं देखे हैं? बिहाया का पेड़ काटिए फिर फैल जाता है। तो बिहाया व्यक्ति जहां रहता है उससे आदमी दूर हटता है कि अब जैसे कोई है थूक कहे हम थूक देंगे ऊपर। अब जब कोई रास्ते से गुजरेगा और थूकने लगेगा तो ये भय नहीं है, यह है कि वह व्यक्ति से कौन मुंह लगे, उस आदमी से मुंह कौन लगे। ममता अकांत भ्रष्टाचार में डूबी है, अपराध तंत्र का शासन चल रहा है पश्चिम बंगाल में, सभी मर्यादाओं को उन्होंने ताक पर रख दिया है। इतना घिनौना कृत किया उन्होंने, ईश्वरचंद विद्यासागर जी के मूर्ति को तोड़ करके भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया, लेकिन जनता ने समझदारी दिखाया, जनता समझ गई, खुद तोड़ा, सीसी कैमरे को हटाया, सब चीज हटा करके वहां पर तोड़ा, उन्हीं के कब्जे में था। ये सब चीजें हैं। ममता से कोई किसी को भय नहीं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो अमेरिका को, चीन को, जापान को, जर्मनी को, फ्रांस को,
साथ लेकर के समकक्ष में चल रहे हैं और पाकिस्तान को बिल में घुसेड़े हुए हैं ऐसे 56 इंच के सीने वाले का ममता जी, बस इतना कहना है। ममता जी वही वाली जो बात कहा कि रास्ते से गुजर रहे हो रोज थूक देता है, तो उसे भाई थूकने वाले से तो डरना होगा, कपड़ा तो गंदा होगा ही। धन्यवाद सर। तो ये थे योगी सरकार के मंत्री नीलकंठ तिवारी, जिन्होंने प्रियंका गांधी को सेलिब्रिटी कहा और तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को गिनाया है। देखना अब ये होगा कि 19 मई को बनारस की जनता किसके पक्ष में वोट करती है। कैमरा पर्सन मिथिलेश तिवारी के साथ तुषार श्रीवास्तव, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, वाराणसी।